So here in this case they are saying evaluate this expression. So here in this case it says 2 sine square 60 degree. So I need to know sine 60 first of all. साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2. अब स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, तो आपने क्या करना है उसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा देना. देन यू हैव tan स्क्वायर 30 डिग्री. अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे 1/√3 इज देयर एंड अ होल स्क्वायर इज देयर डिवाइडेड बाय secant स्क्वायर 45. अब secant स्क्वायर 45 की क्या वैल्यू है √2 स्क्वायर वुड बी देयर. अब सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे 2 इज देयर. दिस इज √3 का स्क्वायर वुड बी 3 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 4 आ जाएगा एंड देन यू वुड हैव इज 1/3. देन इन द डिनोमिनेटर यू हैड 2 बिकॉज रूट हैज बीन कैंसल विद स्क्वायर, तो 2 आ गया हमारे पास. अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचता है 2 × 3 विच इज 6. 6/4 इज देयर एंड देन आई हैव इज 1/3 डिवाइडेड बाय 2. तो आपने क्या करना है, यू नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर. दिस वुड बी 12 and first term would get multiplied with 3, this is 18, and then you would have the next number as 4 divided by 2. Now 18 minus 4 is 14. 14 divided by 12 is there, and this 2 would be like in multiplication with 12. So 2 se 14 cancel, you would get 7/12 as the answer.